तो हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चर्चा वाले चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूँ बम्बई सिटी में, इसे मुंबई भी कहते हैं, साथ में सपनों की नगरी भी कहते हैं। तो अभी मैं हूँ, ये जो आप देख सकते हो ये है चर्चगेट स्टेशन, और वो पीछे से जा रही है लोकल, और ये है वानखेड़े स्टेडियम मेरे पीछे। और इसके पास ना एक खाने की बड़ी अच्छी जगह है जिसे कहते हैं खाऊ गली। तो वो चलते हैं खाऊ गली में, वहाँ का फूड एक्सप्लोर करते हैं और प्योर वेज फूड ही ट्राई करेंगे। तो चलो फिर खाऊ गली चलते हैं। और यहाँ जो ये पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोलियम, उससे यहाँ पर सीधे ही आती है, और ये है चर्च गेट के सबसे पास की खाऊ गली। तो चलो फिर शुरू करते हैं आगे की चर्चा चर्च गेट की खाऊ गली। तो लेट्स गो एंड एक्सपीरियंस स्ट्रीट फूड ऑफ मुंबई, प्योर वेज स्ट्रीट फूड। और एक मेरी स्पेशल बड़ी फेवरेट डिश है, जब भी मुंबई में था तो ये चीज़ ट्राई करता था। तो लेट्स गो, ये देखिए यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी। ये बड़ी फेमस जगह है लेलियन पाव भाजी फॉर वेजिटेरियन। चर्च गेट की खाओ गली में पूरी भीड़ ही भीड़ है। ये देखिए बेबी का भाई, और इधर नॉन वेज डिश मिलेंगी, बट मैं जो वेज प्रिफर करूँगा। और इस जगह से फैशन स्ट्रीट आता है आगे से, तो अभी चलो चलते पीछे एंड एक्सप्लोर फूड। और ये है लेनिन पाव भाजी, दिस इज माय वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट प्लेस। बहुत भीड़ है अभी इस समय पे, लंच टाइम हुआ है, तो चलो चलते हैं वो डिश ऑर्डर करते हैं। ये देखिए ये है मेनू डिश जो आप ऑर्डर कर सकते हो, और मैं ट्राई करूँगा वेज क्रिस्पी जो कि आप 60 रुपीज़ की है। ये देखिए अन्ना एक वेज, एक हाफ वेज क्रिस्पी। लेकिन यहाँ की पाव भाजी बहुत ज़्यादा फेमस है, बट फॉर मी पर्सनली आई लाइक वेज क्रिस्पी जो कि काइंड ऑफ चाइनीज फेल जैसा है, तो वो खाते। और ये बढ़िया आ गई हमारी वेज क्रिस्पी, धन्यवाद। ये मुंबई की मेरी सबसे पसंदीदा डिश है वेज क्रिस्पी। और अभी है ना हम हमारी स्पेशल डिश जो है वो ट्राई करेंगे, क्रिस्पी वेज, ये मस्ट ट्राई है। क्रिस्पी मंचूरियन खाकर हो चुका है, नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर ऑल डिफरेंट फूड जो कि इधर मिलेगा। तो दिस इज लेनिन प्लेस जहाँ पर आप आ सकते हो, यहाँ की पाव भाजी भी ट्राई कर सकते हो। बस चलते हैं आगे और दूसरे दुकान पे। यहाँ से हम लोग मेरे जो है वो फ्रेंकी ऑर्डर किए हैं, लेट्स सी कि किस तरीके का टेस्ट है। ये आ गई फ्रेंकी, थैंक यू। इसका कौन सा बोले थे, शेज नूडल्स तंदूरी तड़का फ्रेंकी, लेट्स एक्सपीरियंस एंड एंजॉय दिस। अब और कुछ दूसरी डिश ट्राई करते हैं। तो अब हम लोगों ने लिए है मैंगो फालूदा, ये हंस रस जूस बनती अपोजिट, वहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पर खड़े भी नहीं रह सकते, इतनी ज़्यादा भीड़ है। हाउ इज़ द टेस्ट, मस्त, मैंगो मैंगो भाई, पूरा पूरा मैंगो मैंगो। ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर और भी बहुत तरीके के जूस मिल सकते हैं, आइए एक्सप्लोर करिए। आप इसको टेस्ट करते हो, थोड़ा बाद में करते हैं चर्चा। और इसमें जो है मैंगो के पीसेस भी है, साथ में जूस भी है। तो और ये पीने के बाद ना
इतना ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगेगा क्योंकि अभी एकदम जो है गर्मा गर्म सा खाना खा रहे थे और स्पेशली मुंबई की गर्मी और यहाँ का मॉइस्चर के कारण इतना पसीना पसीना हो जाता है। तो खाने के बाद एक काइंड ऑफ डेजर्ट जो है वो ये आम का रस है। कर लिया मैंने खत्म, कर लिए खत्म। अब आपको थोड़ा बताऊंगा कि यहाँ पर जो है फ्रूट स्टॉल्स की भी दुकान रहती। तो अगर आप चर्चगेट की खाऊ गली में हो और अगर आपको खाना नहीं खाना है या तो आपका उपवास है, आपको तेरे ग्रुप से खाना है, तो ये जगह है ना अंकल। ये कौन से मिक्स प्लेट, मिक्स प्लेट पपैया और पाइनएप्पल और तरबूज सारी वेराइटी मिल जाएंगी इधर। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप आओ चर्चगेट की तरफ तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। So this was it from the Churchgate Khau Valley. Thank you for watching from Churchgate Khau Valley.